सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसे आप बहुत ही कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं। तो कौन सा बिजनेस आइडिया है और किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है और क्या क्या इसमें चाहिए होता है, सभी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वो बिजनेस है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं अमन बिजनेस आइडिया। और जैसे कि दोस्तों आप सबको बताए, शादी हर जगह हर शहर में बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हो रही है। पहले के मुताबिक अब की शादियों में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है और शादी को एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, परफेक्ट तरीके से किया जाता है। डेकोरेशन, डीजे, खाना वगैरह सब कुछ परफेक्ट तरीके से किया जाता है। तो मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ वो दोस्तों एक कैटरिंग का बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, कैटरिंग का बिजनेस जिसे आप खुद भी कर सकते हैं और काफ़ी लोगों को काम भी दे सकते हैं। तो कैटरिंग का बिजनेस क्या बिजनेस है और कितने रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं? तो इसमें कुछ ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें कुछ टूल्स आपके पास होना चाहिए जो लगभग 15,000 से 20,000 रुपए में आ जाते हैं। तो कैटरिंग का बिजनेस क्या होता है दोस्तों? जैसा कि शादी वगैरह होती है, फिर पार्टी वगैरह होती है, बर्थडे होते हैं, मतलब ऐसे फंक्शन, शादी की एनिवर्सरी हो गई, तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ का खाने का बंदोबस्त या फिर डेकोरेशन का बंदोबस्त या डीजे वगैरह या फिर किसी भी बर्तन वगैरह का जो बंदोबस्त किया जाता है वो कैटरिंग के हिसाब से होता है, वहाँ कैटरिंग की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपके पास ये सब कुछ सामान होता है, आप इसमें अपना बिजनेस कर सकते हैं। कैटरिंग के बिजनेस में कुछ ज़रूरी बातें जो आप सभी को पता होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें 20,000 से 25,000 रुपये में आपका सामान आएगा। सबसे पहले क्या सामान आपको आपके पास होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बर्तन वगैरह, जितने भी टूल्स आते हैं बर्तन के, वो सभी आपके पास होना चाहिए। अगर आप इनका प्राइस जानना चाहते हैं तो इंडिया मार्ट एक वेबसाइट है जहां से आप इनका प्राइस जान सकते हैं। तो बर्तन में सभी तरह के बर्तन, जैसे चम्मच, डोंगे या फिर बहुत तरह के बर्तन होते हैं, ये सभी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद एक छोटा स्टाफ की ज़रूरत होगी। आप छोटे निवेश से स्टार्ट करेंगे तो आप 4 से 5 आदमी रख सकते हैं, और जब आपका बड़ा बिजनेस बढ़ता चला जाए तब आप ज़्यादा स्टाफ रख सकते हैं। स्टार्ट में आप थोड़ा स्टाफ रखिए। और इसके बाद कुछ लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो जिसके मतलब कानून के दायरे में आप ये बिजनेस कर सकते हैं तो लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, जिससे आप एक सही तरीके से इस बिजनेस को लेकर शुरू कर सकते हैं। तो लाइसेंस कौन कौन से ज़रूरी है? सबसे पहला फूड लाइसेंस, जो FSSAI, इसकी वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से जान सकते हैं इस लाइसेंस के बारे में। इसके बाद अगर आप किसी भी पार्टी वगैरह या फिर जो बार होते हैं वहाँ पर आप अपना सप्लाई करते हैं, कोई भी वहाँ पर आप सर्विस देते हैं, तो आपके पास सर्विस लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। और सबसे मेन पॉइंट, आपको तजुर्बा होना चाहिए। कोई भी बिजनेस दोस्तों आप बगैर तजुर्बे के नहीं कर सकते, तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत तजुर्बा होना चाहिए उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो बस आज से ही लग जाइए अपने काम पर और अपना एक स्टाफ बनाइए और कुछ निवेश कीजिए, कुछ सामान लाइए और अच्छे से लोगों के साथ अपना संबंध बनाइए, जिससे आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी लोगों तक पहुंच जाए। और अपने कार्ड बनवाइए जिससे आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जिससे जो भी लोग अपना कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो आपके कार्ड से संपर्क करेंगे और आपको बुलाएंगे। तो हालांकि शुरुआत में आप 20 से 25,000 रुपये कमा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपका बिजनेस चलता रहे और आपको प्रोग्राम मिलते रहे, जैसे शादी पार्टी इस तरह के आपको सर्विस मिलती रहे, तो आप महीनों के लाखों रुपया भी कमा सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कोई और नई वीडियो में।